क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर्स, श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हल से प्राप्त तरंग फलनों की सहायता से सूक्ष्म स्पेक्ट्रम तथा जीमान प्रभाव की भली प्रकार व्याख्या की जा सकती है। तरंग समीकरण को हल करने के लिए तीन पूर्णांकों इंटीग्रल्स को शामिल करना आवश्यक है। ये पूर्णांक क्वांटम संख्याएं कहलाते हैं। तरंग फलन व कक्षक इन क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक तरंग फलन के अनुरूप एक ऊर्जा मान होता है, अतः परमाणुओं में ऊर्जा स्तरों की स्थिति इन क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करती हैं। ये क्वांटम संख्याएं वे तीन चर वेरिएबल्स हैं जिनकी आवश्यकता त्रिविमीय परमाणु कक्षकों के निर्धारण के लिए होती है। इसके अतिरिक्त एक और क्वांटम संख्या जिसे चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं की भी आवश्यकता पड़ती है। ये क्वांटम संख्याएं किसी इलेक्ट्रॉन की स्थायी अवस्था स्टेशनरी स्टेट निर्धारित करती हैं। इस प्रकार कुल चार क्वांटम संख्याएं होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजी मुथल द्वितीयक क्वांटम संख्या एजी मिथवल या सब्सिडरी क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर। फर्स्ट है मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एन से प्रदर्शित किया करते हैं। इसे स्मॉल एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या पर इलेक्ट्रॉन की नाभिक से औसत दूरी तथा मुख्य ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निर्भर करती हैं। ई समानुपाती एन स्क्वायर, मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ेगी तो ऊर्जा भी बढ़ेगी। एन का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी तथा उसकी ऊर्जा बढ़ती चली जाती हैं। अर्थात एन बराबर वन वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक से सबसे कम दूरी पर रहते हुए सबसे अधिक बल से आकर्षित होते हैं तथा एन का मान बढ़ने पर आकर्षण बल कम होते चले जाते हैं। अतः ये क्वांटम संख्या परमाणु का आकार भी निर्धारित करती हैं। ऊपर के स्तर में इलेक्ट्रॉन तुलनात्मक रूप से कम बलों से बंधे होते हैं तथा जब परमाणु का आयनन किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन जिसका एन का मान सबसे अधिक होता है सबसे पहले परमाणु से बाहर निकलता है। एन का मान जीरो तथा ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर एक से इन्फिनी तक कोई भी धनीय पूर्णांक हो सकता है। ये क्वांटम संख्या बोर का वही एन है जिसके साथ एच अपॉन टू पाई को गुणा करने पर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम प्राप्त होता है। अतः एन बराबर वन प्रथम मुख्य ऊर्जा स्तर अर्थात के कक्षक को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार एन बराबर टू थ्री फोर परमाणु में क्रमशः द्वितीय तृतीय कौमा चतुर्थ मुख्य ऊर्जा स्तर तथा एल एम एन कक्षकों को दर्शाते हैं। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का सकल कोणीय संवेग निकाला जा सकता है जो क्वांटम यांत्रिकी गणना के अनुसार अंडर रूट एन इंटू एन प्लस वन एच अपॉन टू पाई के बराबर होता है। एन इजगल टू वन टू थ्री। एजी मिथल क्वांटम संख्या या द्वितीय क्वांटम संख्या, एजी मिथल क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर, इसे स्मॉल एल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या एन के विभिन्न मानों से प्राप्त ऊर्जा स्तरों से नहीं की जा सकती। एक ऊर्जा स्तर में विभिन्न उप स्तरों की उपस्थिति से ही सूक्ष्म स्पेक्ट्रम को समझा जा सकता है। वास्तव में एक मुख्य ऊर्जा स्तर विभिन्न उप स्तरों में विभाजित होता है। ये उप ऊर्जा स्तर एल के मानों द्वारा बताए जाते हैं। हाइड्रोजन में एक मुख्य ऊर्जा स्तर के सभी उप स्तरों की ऊर्जा समान होती है, लेकिन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर इन उप स्तरों की ऊर्जा समान होती है लेकिन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर इन उप स्तरों की ऊर्जा में भी अंतर आने लगता है। तथापि इन उप स्तरों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता, जिसके कारण स्पेक्ट्रम की लाइनों की निकटता की व्याख्या की जा सकती है। किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में एन उप स्तर होते हैं।
इसी प्रकार प्रथम ऊर्जा स्तर अविभाजित रहता है, जबकि द्वितीय ऊर्जा स्तर में दो उप स्तर, तीसरे ऊर्जा स्तर में तीन उप स्तर, एल इजगल टू 0, 1, 2, 3, एन माइनस वन। एल के मान 0 से n-1 तक होते हैं। एल के प्रत्येक मान को एक अक्षर पद नाम से दिया जाता है। एल इजगल टू 0, 1, 2, 3 मानों के लिए क्रमश एस कॉमा बी कॉमा डी कॉमा ए पद नाम भी दिए गए हैं, जिन्हें स्पेक्ट्रम की साफ प्रिंसिपल डिफ्यूज व फंडामेंटल लाइनों के प्रथम अक्षरों से लिया गया है। एक मुख्य स्तर के विभिन्न उप स्तरों में ऊर्जा के एल के मान बढ़ते जाते हैं, अर्थात उप स्तरों के ऊर्जा मान निम्न क्रम में बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा पी, पी से ज़्यादा डी, डी से ज़्यादा एफ। प्रत्येक उप स्तर के लिए कक्षीय कोणीय संवेग की गणना अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई में एल के मान रखकर की जा सकती है। स्पष्ट है कि एस कक्षकों के लिए कोणीय संवेग शून्य होता है। एजीमिथल क्वांटम संख्या कक्षकों की आकृति भी निर्धारित करती है। एक्स कक्षक एल इजगल टू 0, गोलाकार पी कक्षक एल इजगल टू डम्बल, डी कक्षक एल इजगल टू 2, दिक डबल डबल डम्बल जैसे होते हैं। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए उप स्तर के अक्षर पदनाम के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखते हैं तथा मुख्य क्वांटम संख्या उप स्तर से पूर्व लिखी जाती है। उदाहरण 3D2 में संख्याएं n 2 क्रमशः मुख्य क्वांटम संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्याएं बताती है, जबकि d पदनाम l इज इक्वल टू 2 के लिए दिया गया है चुंबकीय क्वांटम संख्या। किसी तत्व के लाइन स्पेक्ट्रम का चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति व अनुपस्थिति में अध्ययन करने पर पाया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में प्राप्त लाइनें चुंबकीय सेता लगाने पर अति निकट लाइनों में विभक्त हो जाती है। इस प्रभाव को ज़ीमान प्रभाव ज़ीमान इफेक्ट कहते हैं। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन के साथ एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है जो परमाणु पर लगाए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ प्रतिक्रिया करता है। वास्तव में इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर गतिशीलता के कारण उत्पन्न इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन एक छोटे छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करता है। एक उप स्तर के विभिन्न कक्षक चुंबकीय क्षेत्र लगाने से पूर्व समान ऊर्जा के होने चाहिए, जो चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर असमान ऊर्जा के हो जाते हैं। समान ऊर्जा की एक से अधिक अवस्थाएं होने पर तंत्र संभ्रंश डीजनरेट कहलाता है। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर कक्षकों की संभ्रंशता नष्ट हो जाती है। ये तभी संभव है जब भिन्न भिन्न कक्षक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ अलग अलग तरह से पारस्परिक क्रिया कर सकें, अर्थात कक्षकों के चुंबकीय क्षेत्र भिन्न भिन्न दिशाओं में अभिविन्यसित होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय क्षेत्रों की भिन्न भिन्न दिशात्मकता चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा दी जाती, जिसे एम द्वारा प्रदर्शित करते। चक्रण क्वांटम संख्या हाइड्रोजन कोमा सोडियम आदि कुछ तत्वों के स्पेक्ट्रमों का सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर उनमें रेखाएं अत्यधिक निकटतम वाली रेखाओं के युग्मन के रूप में पाई जाती हैं। चक्रण क्वांटम संख्या 1925 में गाउड मिट तथा यूलेनबेक ने विचार रखा कि इलेक्ट्रॉन के चारों ओर गतिशील रहने के साथ साथ अपनी एक्स के चारों ओर भी उसी प्रकार चक्रण करती हैं जिस प्रकार पृथ्वी अपने एक्स के चारों ओर चक्रण करती है। इलेक्ट्रॉन का चक्रण दो दिशाओं क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त तथा वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज में संभव है। चक्रण क्वांटम संख्या का मान एक तो प्लस हाफ और माइनस हाफ पॉसिबल होता है, एक यानी प्लस हाफ या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है इलेक्ट्रॉन